तो आज की इस वाली वीडियो में आप ही सबको डिमांड पे लेकर आया हूँ बाइबल फॉर किड्स ऐप को हिंदी में कैसे लैंग्वेज में ले आ सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जो है काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है और वीडियो पे काफ़ी कमेंट आया, भाई जो है ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं होता है, इंग्लिश में ही उसका जो है वॉइस रह जाता है, हिंदी में उसको कैसे करें। तो दोस्तों सारी जानकारी देने वाला हूँ और इसको कैसे हिंदी में करेंगे, किस तरह से आप लोग हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश से, और मराठी नेपाली जो लैंग्वेज चाहो वो कर सकते हो, वो कैसे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सारी जानकारी बताता हूँ। तो दोस्तों आप सब के लिए ये वीडियो ले आया हूँ, तो अंत तक जरूर देखना और सपोर्ट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड भाई, मतलब कि वाइबल ऐप फॉर किड्स एक ऐसा मतलब कि ऐप है दोस्तों, इसमें आप लोग अच्छे खासे जो है कार्टून वीडियो होता है वो बना सकते हो और यूट्यूब पे डाल के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाता है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम है ना, आप लोग को वो सॉल्व कर दूंगा आज दोस्तों। तो आप लोग को सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है, और प्ले स्टोर के आने के बाद यहाँ पर वाइबल फॉर किड्स लिखकर यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी इसको जो है इंस्टॉल करके रख लिया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी मैं इंस्टॉल करके रख लिया हूँ। देन इसको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, अब पूरा मैं जानकारी के साथ बताने वाला हूँ, और ध्यान से आप लोग देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, सिंपली उसी तरह से आप लोग को भी करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो ऑलरेडी हमारा हिंदी में है, ठीक है। तो मैं पहले इंग्लिश में कर देता हूँ, उसके बाद फिर से मैं हिंदी में करके आप लोग को जो है दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो भाषा पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार सा जो है भाषा का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बाय द वे ले लेता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश पर क्लिक करके इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया इंग्लिश, आप लोग देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर देखिए पूरा इंग्लिश हो गया, पहले हिंदी में था अब जो हो गया है इंग्लिश में, ठीक है। तो लैंग्वेज पे फिर से क्लिक करूँगा और हिंदी में आप लोग को जो है कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। उससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, होम पे चले आता हूँ और देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग बहुत ही सारे गेम खेल के जो है वीडियो बना सकते हो। ये काफ़ी जो ऐप मज़ेदार लगा है मुझे, और आप लोग को भी अच्छा लगा है, इसीलिए जो है पूछे हो हमसे। देखिए दोस्तों, अब कैसे मतलब कि हिंदी में कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज को। तो देन यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक किया, लैंग्वेज पे क्लिक किया, और लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ना मतलब कि बहुत ही सारा भाषा मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भाषा को जो है यहाँ पर चाइनीज़, जर्मनी भाषा, उसका बाद मतलब बहुत ही सारा भाषा से यहाँ पर कनाडा, कोरिया, मतलब कि नेपाली, तहाद मतलब कि थाईलैंड, यहाँ पर बहुत ही सारा आपको तेलुगु, यहाँ पर देखिए बहुत ही सारा जो है भाषा मिल जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग को मैं आप लोग को जो एक बहुत परेशान कर दियो भाई, भाषा जो है हिंदी में नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आप ही लोग ऑप्शन देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मराठी लिखा हुआ है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेपाली लिखा हुआ है, इस तरह से आप लोग को यहाँ पर नीचे बंगाली लिखा हुआ, देखिए इतना जो है ऑप्शन है। तो आप लोग कौन सा मतलब कि लैंग्वेज में करना चाहते हो, तो ये आप पर डिपेंड पड़ता है, ठीक है ना। कह रहे हो भाई हिंदी में नहीं आ रहा है, तो ये हिंदी में कैसे आ गया भाई, मुझे जो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाय द वे अगर ये हिंदी में नहीं आ रहा है, ठीक है, अपडेट कर दिया, ठीक है, इस पर करें क्लिक। देखिए अब एक बार और देखिए पूरा जो है हिंदी में कन्वर्ट होकर आ गया। अगर ये आपको नहीं हो रहा है तो क्या करें, उसका भी उपाय है। आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर से एक VPN ऐप डाउनलोड कीजिए, और मैं ऐप डाउनलोड नहीं किया हूँ बाय द वे, देख सकते हो आप लोग, मेरा जो है ऐप नहीं है इंस्टॉल हुआ, यहाँ पर सिंपली मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, एंड यहाँ पर जो हिंदी ऑप्शन मेरा जो है आ चुका है। अगर ये हिंदी ऑप्शन आप लोग को नहीं आया है तो आप जो है ऐप मतलब कि VPN ऐप जो होता है उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो है ऐप काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, और आप लोग तो पहले मैं यूज करके बता ही दिया हूँ इस ऐप के बारे में, और नहीं जानते हो तो जाकर वीडियो देख लेना, नहीं तो दूसरा वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो फटाक से कमेंट कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई देने में पूरा समर्थ रहता हूँ। तो मिलते हैं आज की, इतना ही अंत करते हैं। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।